वहाँ पे गया जिला दलित महादलित प्रकोष्ठ के जितेंद्र कुमार दास यहाँ पे मौजूद हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दलितों के बहुत अच्छे नेता हैं और तमाम लोगों के अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनसे कल के सम्मेलन के बारे में जो पटना में गांधी मैदान में आयोजित हो रही है उसके बारे में इनसे जानते हैं कि वहाँ पे जो गांधी मैदान में जो रैली बुलाई गई है उसके बारे में इनसे पूछते हैं। कल जो रैली बुलाई गई है जितेंद्र जी गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के द्वारा, आपके मुखिया के द्वारा, तो उसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा मैं आपको सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि कल जो पटना के गांधी मैदान में हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको द्वारा आरसीपी सर जो पार्टी के संगठन सचिव हैं, महासचिव हैं, उनको द्वारा गांधी मैदान में हमारे बूथ अध्यक्ष और सचिवों का विशेषकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में गया जिला से काफ़ी लोग आज ही शाम से गया से जाने के लिए लोग शुरू हो गए हैं और गया पटना के गांधी मैदान में करीबन 2 लाख के लोग वहां पर उपस्थित होंगे। गया में काफ़ी जनता दलियों के वरीय नेता के नेतृत्व में अपने अपने जत्था बना के यहाँ से रवानगी शुरू हो गए हैं और हमारे बिहार का जो विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में बढ़ता बिहार और लोग आस्था है कि हमारे अगर बिहार में अगर एकमात्र नेता है तो श्री नीतीश कुमार। 4 दिन पहले बिहार विधानसभा से NRC और NPR पे कुछ उन्होंने पारित किया है, तो पारित करने का उद्देश्य क्या है? जबकि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने और अमित शाह जी ने कहा है कि NPR और CA तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जारी रहेगा और NRC के बारे में कोई भर्म नहीं है, NRC के बारे में कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो पारित किया गया उसको क्या ज़रूरत पड़ा पारित करने का? ऐसा देखिए, बिहार में हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा सेकुलर मिजाज के हैं और सेकुलर रहे हैं भी। उन्होंने बिहार विधानसभा में सत्र बुलाकर और सत्र में खासकर जो हमारे दलितों, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाजों के लोगों में जो एक भ्रम स्थिति बना हुआ था, डर बना हुआ था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा एक प्रस्ताव लाया कि बिहार में NRC और CA और NPR लागू का काम नहीं लागू होगा। NPR और NRC के बारे में उन्होंने शायद पारित किया। हाँ, तो बस जो पारित कर दिया है वो निश्चित तौर पर पारित होगा और उस पर जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है उस पर निश्चित तौर पर अमल। तो उन्होंने कहा कि NPR जो 2010 का जो जनगणना हुआ था उसी आधार पर वो यहाँ बिहार में लागू करेंगे। जनता की क्या यहाँ बिहार में 2010 पे लागू होगा? ये उसी पर लागू होगा जो बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं वही करते हैं, ऐसा कोई इस पर नो डाउट। मुख्यमंत्री पर ऐसा कोई विश्वास नहीं करना चाहिए जिसमें लोगों को दिग्भ्रमित होने की जरूरत है। यहाँ खासकर अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक कोई डरने की जरूरत नहीं है। लोग विपक्ष लोग अपना मुद्दा बनाते हैं, चुनावी समय आ गया है, चुनाव पे अपना भगाना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। विपक्ष का नेता सदन में कुछ बोलते हैं, पारित करते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, ऐसे लोगों से होशियार होने की जरूरत है। ये थे जितेंद्र कुमार दास, दलितों के नेता के रूप में जाने जाते हैं और मगध की धरती खासकर गया जिला में ये अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। दलित और महादलित के नेता के रूप में ये हमेशा जाने गए हैं और अभी फिलहाल ये जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के। और प्रकोष्ठ के कल की तैयारी के बारे में, गांधी मैदान में जो रैली का आयोजन किया गया है कल के, वहाँ की तैयारी के बारे में बता रहे थे और विस्तृत से इन्होंने NPR और NRC पे जो विधानसभा में जो पारित की गई है उस पे भी इन्होंने प्रकाश डाला है। गया से फैज़ अहमद, रिपोर्टर्स पेज के लिए